फ्रेंड्स, तबले की सेटिंग किसी भी मिक्सर से किस तरह से कर पाएंगे उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। पूरा वीडियो देखें। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं आज आपको बता रहा हूँ तबले की सेटिंग आप किसी भी मिक्सर से किस तरह से कर पाएंगे उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। छोटा सा वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो काफ़ी आसानी से आप अपने जो प्रॉब्लम आती है आपको बेस और चांटी की तबले में, वो आपको बिल्कुल दूर हो जाएगी। और आपको कौन सा माइक्रोफोन काम में लेना है उसकी भी मैं जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो जब आप लाइव प्रोग्राम करते हैं, कथा, सत्संग, भागवत, भजन संध्या होती है, उसमें आपको तबले के लिए माइक्रोफोन लगाना होता है या ढोलक के लिए माइक्रोफोन लगाना होता है, तो उसमें जो आपको माइक्रोफोन काम में लेना है वो क्वालिटी का माइक ही आप काम में लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप लोकल माइक काम में न लें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और जब आप अपने माइक्रोफोन को बेस्ट क्वालिटी का लेंगे तो आपको जो उससे क्वालिटी मिलेगी वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है। आप लोकल माइक न लें, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो आपको बेस और चांटी के लिए जो माइक्रोफोन लेना है उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो तबले वाला तबला बजा रहे हैं, तो इसको आपको जो माइक्रोफोन देना है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का देना है। आप चाहे तो आहूजा के माइक्रोफोन दे सकते हैं, आप चाहे तो श्योर का लगा सकते हैं, आप बीटा 58 माइक्रोफोन भी लगाकर अपने प्रोग्राम को कर पाएंगे। तो जो आपको बजट में आता है और जो बेस्ट क्वालिटी का माइक है वो आप अगर आहूजा के ADM 311 माइक्रोफोन अगर आप चांटी के लिए लेते हैं तो आप काफ़ी आसानी से अपने प्रोग्राम को कर पाएंगे। और बेस के लिए आप माइक्रोफोन आहूजा के ले सकते हैं, और अगर आप इसमें और क्वालिटी के लेना चाहें तो आप बीटा 58 माइक्रोफोन जो बेस्ट क्वालिटी आता है, जो आपके बजट में भी रहेगा, वो भी आप ले सकते हैं। आप चाहें तो GTS के माइक्रोफोन भी आप काम में ले सकते हैं, और उससे आपको जो क्वालिटी बनेगी वो काफ़ी अच्छी बनेगी और उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, उसी तरह से मैं आज आपको इसमें फिर से बता रहा हूँ, आप जो अपने जो भी कनेक्शन करते हैं, जो क्वालिटी लीड आपको काम में लेनी है वो भी अच्छी वाली लेनी है। लोकल लीड अगर काम में लेंगे तो आपके हमिंग आने की संभावना रहेगी, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। यानी आपके जो लीड या माइक्रोफोन आप काम में लेते हैं वो बेस्ट कनेक्ट होने चाहिए। यानी कनेक्टर आपके सही नहीं हुए या लीड आपके सही नहीं हुई, या आप XLR to XLR लीड लगा रहे हैं या जेक से और XLR लीड लगा रहे हैं, तो XLR मेल फीमेल लगाते हैं तो भी आपको ध्यान रखना है। आपको क्वालिटी एकदम सही लेनी है, वायर लूज ना हो, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और जब आप अपने साउंड सिस्टम सेटअप को लगाते हैं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आपको ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल भी वीडियो मिस ना करें। अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बेस और चाटी की सेटिंग के लिए काफ़ी कुछ ध्यान रखना होता है जो मैं पूरा आपको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप अपने साउंड सिस्टम को लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, आपको साउंड सिस्टम प्रॉपर तरीके से लगाना है। और उसमें आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपने साउंड सिस्टम को लगाते हैं तो उसमें आपको स्टेबलाइजर यानी वोल्टेज करेक्टर आपको ज़रूर लगाना है, और उससे आपके वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होगा तो आपके मिक्सर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी बनने वाली है और उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और उसके साथ जो आप मिक्सर एम्पलीफायर कनेक्ट करते हैं उसमें भी आपको ध्यान रखना है, आप अपने मिक्सर से मिक्सर कनेक्ट करते हैं तो आप एम्पलीफायर और मिक्सर को कनेक्ट करने वाली जो लीड होती है वो भी आप अच्छी क्वालिटी के ही काम में लेंगे। और जो भी आप कनेक्शन करते हैं उसमें आपको लूज़ कनेक्शन एक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी हमिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, उसे बिगाड़ देता है। तो ये आप मिक्सर देख पा रहे हैं, तो इसमें आपको जो अब मैं आपको बता रहा हूँ बेस और चाटी की सेटिंग, तो सारे कनेक्शन आपने कर लिए हैं और आपने जो लीड काम में ली है वो भी आपको ध्यान रखना है। XLR to XLR मेल फीमेल लीड काम में लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। और इसमें जो आप वॉल्यूम सेट करेंगे वो आप 0 dB से ज़्यादा नहीं सेट करेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और आप कम से कम अपने गेन को खोलेंगे, गेन की ज़रूरत होगी तो भी आप खोलें। और मॉनिटर आपको बिल्कुल नज़दीक में देना है, जो तबला बजाने वाले हैं जो पीछे से दे सकते हैं, आप साइड से दे सकते हैं, लेफ़्ट और राइट दो लगा सकते हैं। तो इस तरह आप अपने उस मॉनिटर को लगाकर भी अपने बेस्ट और चाटी की क्वालिटी को कंट्रोल कर पाएंगे। और जब मिक्सर में आप जो सेटिंग करते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 7 और 8 नंबर फेडर में बेस और चाटी की सेटिंग की हुई है, तो ये बाकी जो EUX के स्विच है उन सबको आपको
बंद रखना है जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। उसके बाद जो आपको ऊपर जो स्विच दिख रहे हैं ग्रीन कलर में, उसमें आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सेटिंग की हुई है। तो यहाँ पर 7 और 8 नंबर फेडर में बेस और चाटी की सेटिंग की हुई है जो आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माइक्रोफोन की जो XLR लीड लगी हुई है वो कंप्लीट लगी हुई है और इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। वो तो इसमें जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है वो अपने माइक्रोफोन की क्वालिटी आपको ध्यान रखनी होगी। माइक्रोफोन की क्वालिटी अगर आप अच्छी वाली लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से अपने प्रोग्राम को कर पाएंगे और उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें आप यहाँ पर जब माइक्रोफोन लगाते हैं तो वो भी आप अच्छी क्वालिटी के लगाते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं XLR टू XLR जैसे जैक लगाया हुआ है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्विच सारे आपको शो हो रहे हैं। माइक और लाइन में आपको यहाँ पर XLR पिन लगी हुई है। तो इस तरह आप भी अपने XLR पिन को लगा लेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने प्रोग्राम को कर पाएंगे। और नीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं 7 नंबर फेडर में जैसे आपको यहाँ पर गेन का स्विच आपको थोड़ा सा खुला हुआ दिख रहा है, उसके नीचे आपको कंप्रेस वाला स्विच दिख रहा है, उसके नीचे आपको यहाँ पर हाई मिड और लो के फ्रीक्वेंसी दिख रही हैं। जैसे यहाँ पर 7 नंबर में बेस की सेटिंग की हुई है तो लो यहाँ पर कुछ ज़्यादा खुला हुआ है और ऊपर वाला जो स्विच है लो का वो यहाँ पर कम की तरफ किया हुआ है। और आप मिड भी देख पा रहे हैं और हाई भी देख पा रहे हैं, इनको सेंटर किया हुआ है। तो इसी तरह आप इसमें सेटिंग पूरी देख पा रहे हैं जो बेस की सेटिंग आपको शो। इसी तरह 8 नंबर फेडर में आप चांटी की सेटिंग देख पा रहे हैं जिसमें लो बिल्कुल बंद किया हुआ है और आपको इसमें जस्ट ऊपर एक और लो का स्विच है जिसे खुला हुआ है फुल, और उसके ऊपर आपको मिड और हाई के जो स्विच दिख रहे हैं वो भी आपको आधे से ऊपर खुले हुए शो हो रहे हैं। यानी आपको चांटी में चांटी के जो वॉल्यूम है हाई और मिड उसे आपको ज़्यादा खोलना है और बेस के जो स्विच है दो उन्हें आपको बिल्कुल 0 पर सेट करना है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने मिड और बेस को इस तरह से सेट करेंगे चांटी के लिए तो आपको काफ़ी अच्छी तबले की क्वालिटी मिलेगी और काफ़ी आसानी से आप अपनी सेटिंग को कर पाएंगे। करना है आपको ये पेन और यहाँ पर FX रिटर्न वाले स्विच को, आपको FX वाले रिटर्न को स्विच जो है इसे आपको FX वाला स्विच है इसे आपको बंद रखना है। अगर इसे आप खोल देंगे तो आपको इको इफेक्ट इसमें आने लग जाएगा तो इसे आपको बंद रखना है। और आपको इसे 0 से ज़्यादा सेट नहीं करना, 0 से ऊपर आप फेडर ले जाएंगे तो आपकी आवाज़ फटेगी और आपको विसल आने की भी संभावना रहेगी। आप जो भी सेट करें वो इसके नीचे ही सेट करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आप जो नीचे स्विच देख रहे हैं इसमें आपको अपने देखना चाहते हैं PFL को तो भी यहाँ से देख पाते हैं। तो ये PFL मतलब इस तरह से आप सेटिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छी आसानी से आप अपने बेस और चाटी की सेटिंग बड़ी आसानी से कर पाएंगे और आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और बेस और चाटी की सेटिंग जैसा मैंने आपको 7 और 8 नंबर में फेडर में बताया है उस तरह से आप करते हैं तो आपको काफ़ी आसानी से आप अपने प्रोग्राम को कर पाएंगे और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और क्वालिटी जो बनेगी आपके मिक्सर के द्वारा, भले वो आपके पास कोई सा मिक्सर हो, काफ़ी अच्छी बनने वाली है और आप अपने प्रोग्राम को काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।